दोस्तों, ये जो मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें सामने रेनाल्ट का शोरूम है, मेन मेरठ हाईवे पे ये है हमारी फैक्ट्री। यहाँ से 100 मीटर पे मेरठ हाईवे है हमारी जो फैक्ट्री, मोहन मिश्रा मल्टीटेड प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आने के लिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख पाएंगे हमारी फैक्ट्री को, कि ये पूरी फैक्ट्री यहाँ पर जो बनी हुई है, इसमें हर प्रकार की मशीनें बनती हैं जो आपके बहुत काम की मशीनें हैं। इसको लेके आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं और अपने गांव वालों को, अपने भाई परिवार को रोजगार दे सकते हैं। और जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहे हैं या रिटायरमेंट होने के कगार में हैं, वो भी अपना खुद का बिजनेस रिटायरमेंट होने के बाद इस मिक्सर मशीन को, लिफ्ट मशीन लेके अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। या जिनके बेटे काम नहीं कर पा रहे, कहीं काम नहीं मिल रहा, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि अपना खुद का बिजनेस चालू करें और इस मशीन को लेके अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक बिजनेस की तलाश में रहता हूँ, तो दोस्तों वही बिजनेस आइडिया सर्च करते हुए मैं पहुँच चुका हूँ गाजियाबाद में आप लोगों के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह की मशीनें मिल जाएगी। सिर्फ आपको इन मशीनों को बहुत तरह से बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप इन मशीनों को यहाँ से लेते हैं तो एक मशीन की कमाई, यानी कि एक मशीन अगर आप रेंट पे देते हैं तो 5,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर उस मशीन से अगर आप बिजनेस करते हैं तो 8,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। या फिर पर डे के हिसाब से नहीं कमाना चाहते, या इन मशीनों को आप मंथली भी अगर आप रेंट पर देना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मशीनें हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। आइए, मैं लेके चलता हूँ उनकी फैक्ट्री में, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, बिजनेस तो सभी लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से बिजनेस किया जाए, किस तरीके से कंपनी खोली जाए, किस तरीके से फैक्ट्री खोली जाए, और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ दोस्तों गाजियाबाद में। यहाँ पर इनकी बहुत बड़ा आउटलेट है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर मशीनें रेडी हो रही हैं आप लोगों के लिए, तैयार हो रही हैं। आप यहाँ से बिजनेस करके 1,000 रुपये भी कमा सकते हैं, 2,000,000 रुपये भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है इनका, इस तरीके से बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं। तो मैं इनके ओनर से मिलता हूँ और बात करते हैं कि इन मशीनों को किस तरीके से आप रेंट पर दे सकते हैं, किस तरीके से एक बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, छोटे लेवल पर काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इन मशीनों को आप होलसेल रेट पर लेके आगे रिटेल में भी सेल कर सकते हैं, कमीशन पे भी आप इनसे बात करके वो भी कर सकते हैं, या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कस्टमर से आपने कांटेक्ट किया, आप कमीशन बेसिस पे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इनके ओनर से और बात करते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। तो सबसे पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जैसा कि आपने बताया था कि जो हमारे ऑडियंस लोग हैं वो पर डे 5,000 कमा सकते हैं, 8,000 भी कमा सकते हैं, या फिर 40 से 50,000 रुपये बहुत इजी तरीके से कमा सकते हैं, क्या ये सच है? आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को कैलकुलेशन करके बताइए और आपकी कंपनी का एक बार परिचय दीजिए, आपका नेम और आपकी कंपनी का नेम थोड़ा डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताइए सर। आप सभी का अजीत बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके बहुत काम की वीडियो है और पता नहीं कौन आपके दोस्त को, आपको या आपके रिश्तेदार को इसकी जरूरत हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आने के, विजिट करने के लिए। जैसे सर का सवाल था कि आप 5,000 रुपये पर डे कैसे कमा सकते हैं या 8,000 रुपये कमा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कहीं पे लिफ्ट मशीन लेके ढलाई करने के लिए जा रहे हैं, तो 2,000 स्क्वायर फीट की ढलाई है, 2,000 स्क्वायर फीट ढलाई है, तो कहीं पे 7 रुपये, कहीं 8 रुपये, कहीं 9 रुपये स्क्वायर फीट, अलग अलग शहरों पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होता है। तो मैं एक एवरेज में 8 रुपये स्क्वायर फीट ले लेता हूँ जी, तो
सर आप समझेंगे कि 8,000 रुपए, 8 रुपए स्क्वायर फीट में 2,000 स्क्वायर फीट का हुआ 16,000 रुपए। ओके, एक दिन में इस मशीन से आप 16,000 रुपए का अर्न कर रहे हैं, उसमें आपके कॉस्ट भी है, लागत भी है, और लेबर भी है, डीजल भी है, लाना ले जाना है। ओके ओके, तो इस मशीन में जो लेबर लगते हैं 13 लेबर लगते हैं, 12 लेबर लगेंगे और एक मिस्त्री लगेगा 13, तो कहीं 250 रुपए, कहीं 300, कहीं 400 रुपए लेबर कास्ट होते हैं। ओके, मैं गांव और शहर का एक एवरेज कर देता हूं, तो 300 रुपए मानता हूं, तो 4,000 रुपए पर डे लेबर कास्ट आता है। ओके, और यदि ट्रैक्टर से ले जा रहे हैं, गाड़ी से ले जा रहे हैं, तो 1,000 उसको मान लेता हूं मैं, वो खर्चा हो गया 5,000, 1,000 रुपए डीजल खर्चा मान लेते हम। ओके, 6,000 रुपए, 2,000 रुपया अन्य खर्चे और भी जो आपको लगता है, या कहीं 2,000 से कम भी ये ढलाई हुआ, तो फिर 2,000 रुपए उसको कास्ट निकाल दें, तो 16,000 में 8,000 रुपए हम खर्च कर देते हैं, तो 8,000 रुपए शुद्ध प्रॉफिट आपको बच रहा है मोटा मोटी। वो सर मिनिमम से मिनिमम बता रहे हैं, इससे आप हाई भी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये डिपेंड करता है दोस्तों सारा कुछ आपके लोकेशन के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर, ये सर जो बता रहे हैं आपको एवरेज के ऊपर बता रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से, आपको जो लेबर है वो किस टाइप की मिल रही है, सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, आपका जो सामान मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, डीजल पेट्रोल वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं आपको डिपेंड करती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 से 50,000 रुपए भी कमा सकते हैं, सर वो किस तरीके से कमाए जाएंगे? हाँ सर, 40 से 50,000 रुपए महीना, ये महीने की अर्निंग बता रहे हैं सर। जी जी, महीने की अर्निंग। जी, यदि आप मशीन ले जाते हैं और कोई बड़ा ठेकेदार है या वेल्डर है या कहीं भी कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, तो उनको स्थायी रूप से मंथली लगता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल काम होता है, तो अधिकांशतः लोग जो बड़ी कंपनी बाहर से आती है वो खरीदती नहीं है, रेंट पे लेना पसंद करती है, तो 30 से 40,000 महीना इजी बेस में कहीं भी इसको महीने में लगा सकते हैं आप, और 30 से 40,000 अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं, या मशीन खरीद लिए हैं, मशीन ले जाके आप अपने गांव में रख लिए हैं और लोगों को इस प्रमोट कर रहे हैं कि आपके पास ढलाई की मशीन है, तो जो गांव के छोटे छोटे ठेकेदार हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती, पैसे नहीं होते, लेबर तो होते हैं लेकिन वो काम करना चाहता है जी, उसके पास इस मशीन से बहुत अच्छा अवसर उसको होता है कि वो आपके यहाँ से मशीन ले जाएगा और 4 से 5,000 रुपया पर डे किराए पे ये मशीन ले जाते हैं, और जो ले जाएगा उसको भी 2-3,000 रुपया उस व्यक्ति को बच जाएगा। ओके, तो उससे भी फायदा है और आपको भी फायदा है। अगर कोई सपोज करो कोई रेंट पे नहीं देना चाहता, अगर कोई खुद का अपना एक जैसे ठेकेदार लोग काम करते हैं, हाँ, अगर अपना व्यवसाय खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ, तो काफी लोग जो हमारे ऑडियंस लोग हैं वो फ्रेशर, उनको पता ही नहीं है कि कितने गज में, जैसे 50 गज के लिए कितना मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, उनको आइडिया नहीं होता, तो वो भी हमारे जो ऑडियंस उनकी हेल्प करते हैं आप किस तरीके से, हाँ, मतलब खुद का बिजनेस कर सकते हैं मशीन लेकर के। जी जी हाँ जी, बताइए एक बार। जैसे जो लोग बेरोजगार भाई हैं या ठेकेदारी कर रहे हैं, दूसरे गंडर में काम कर रहे हैं, वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, ठेकेदारी करना चाहते हैं, तो सर गज में पूछ रहे हैं, मैं आपको स्क्वायर फीट बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा यहाँ गज चलता है और ज्यादा जगह पे स्क्वायर फीट चलता है। जी जी, तो यदि मान लीजिए आप 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई कर रहे हैं, उस 2000 छत स्क्वायर फीट में 100 फीट में लगता है 7 बोरी, और 2000 फीट में लगेगा 140 बोरी सीमेंट खपत होगी। ओके, और 2000 फीट में जो गिट्टी लगेगा वो लगेगा 800 फीट, यानी 8 ट्रैक्टर 100 फीट वाले में, और रेती भी लगेगा 800 फीट लगेगा, रेती लगेगा, और उसमें जो 2000 फीट में जो राड का कास्ट आएगा, छड़ लगेगा वो 2 टन, लगभग 2000 किलो। इस तरह ये मशीन जो है, और जो हमारी मिक्सचर मशीन है, एक बार में एक बोरी का माल लेके ऊपर लिफ्ट करती है, आप एक मंजिल ले जाएं, 2 मंजिल ले जाएं, 3 मंजिल ले जाएं, 4 मंजिल ले जाएं, ये मंजिल जितना आप 8 मंजिल 10 मंजिल तक इस मशीन का आप यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी जानकारी आपसे मिस हो जाती है, मैं जानता हूँ कि जितने हमारे ऑडियंस लोग हैं वो फ्रेशर लोग हैं, वो बिल्कुल उनको पता नहीं किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो ये सर आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर कुछ भी इसमें मिस आउट हो जाता है तो इनसे आप डायरेक्टली कॉल करके, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि आप फिजिकली यहाँ पे विजिट कीजिए, मैं यहाँ पे आके बड़ा खुश हो गया मेरा दिल कि यहाँ पर सर ने आपके लिए पूरी बंदोबस्त किया हुआ है, यानी कि अगर आप दूर के हैं, अगर आसपास के रहते हैं, ये जो हमारी लोकेशन है ये गाजियाबाद में है, गाजियाबाद दिल्ली NCR में पड़ता है, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से पहुँच सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो सर ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, आप रहने खाने पीने का सब कुछ है, मशीन चाहे आप ना लें, सर ने बताया था ऐसा सर, ऐसा पॉसिबल है। मैं कर बोल देता हूँ आपकी जगह में। जी जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा
कि आप लोग यदि कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं, तो एक बार हमारी कंपनी जरूर विजिट करिए। आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और स्टेशन तक लाने ले जाने की व्यवस्था हमारी गाड़ी आपको लेने जाएगी और पहुंचाने जाएगी आपको। बहुत बढ़िया सर। आप चाहे मशीन लें या न लें, और हमारी जो फैक्ट्री है अभी हम खड़े हैं मिश्रा इंडस्ट्रीज रोड मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया खसरा नंबर 23 और रेनाल्ड शोरूम के पीछे मेरठ रोड में जी। जो हमारा गाजियाबाद का जो हमारा ये प्लांट है जहाँ अभी हम खड़े हैं, प्लांट को आगे सर दिखाएंगे आपको जी। और एक हमारा जो हेड ऑफिस है मिश्रा इंडस्ट्रीज रोड सकरी बिलासपुर द जैन इंटरनेशनल स्कूल के पीछे, वहाँ भी आप हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी रहने की और खाने की और स्टेशन से लाने ले जाने की सारी व्यवस्था हमारी कंपनी की ओर से फ्री है। दोस्तों आपको कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे शहर में आप आ जाते हैं तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरी हमारी कंपनी वहन करती है। आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आइए जरूर, अब विजिट करिए और देखिए कि आप हमसे जुड़ के और क्या अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है मजबूत मशीन बनाना, अच्छी मशीन बनाना, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि लोगों को रोजगार मिले जी, लोकल फॉर वोकल जी, तो वो हम भी चाहते हैं। हमारी कंपनी का भी उद्देश्य है कि हमारे जो भारत के जो नौजवान हैं जो आज सबको रोजगार मिले जी। और इस मशीन से सबसे बड़ा फायदा, यदि एक व्यक्ति मशीन लेके जाता है तो 13 लोगों को काम देता है अपने गाँव में। हाँ, ये बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। यदि कोई एक मशीन लेता है तो 13 लोगों को काम मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप खुद तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ में दूसरों लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जैसा कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं आप, इनकी एक बहुत बड़ा आउटलेट, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप देख पाएंगे सर जी। और इनकी सर ने बताया कि इससे 10 गुना बिलासपुर में इनका जो हेड ऑफिस है वहां पर अवेलेबल है। तो वहां पर भी आप, अगर आपका बिलासपुर नजदीक पड़ता है तो वहां पे बहुत आसानी से वहां पे रीच कर सकते हैं। तो जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आपको इजी तरीके बता रहा हूं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कंपनी का पूरा गूगल मैप दिया गया है, बिलासपुर का भी दिया गया है, दिल्ली एनसीआर में जो गाजियाबाद पड़ता है उसका भी गूगल मैप दिया गया है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं हर मशीन का रिव्यू, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में सभी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको जरूर देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मशीन हमसे लें या कहीं और से ले रहे हैं, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में देखते हैं कि कौन कौन से फीचर है उस मोबाइल पे, कितने एमपीएच की बैटरी है या कितना उसका कितने जीबी सपोर्ट करता है और कितना बैटरी बैकअप है। इसी प्रकार जो लिफ्ट मशीन है, मिक्सर मशीन है, इसमें भी आपको देखना है कि हमारी मशीन और अन्य जो मार्केट मशीनों में उनमें क्या अंतर है। तो जो हमारी मशीन बनी हुई है, ये आपको बताना चाहूंगा कि जो ये चेचिस है, हमारी मिक्सर मशीन की चेचिस 6 इंच की होती है, जबकि इसको मार्केट में 5 इंच का लगाते हैं। और साथ में ये जो घोड़ी होती है ये 3.5 इंच की है, इसको मार्केट में 2.5 इंच का लगाते हैं। ये जो चेचिस और घोड़ी, ये मशीन की जान होती है। जैसे दोस्तों आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में जो उसकी नींव होती है वही उसकी जान होती है। जैसे यदि आप एक मंजिल की ढलाई कर रहे हैं तो 8 mm लगाएंगे, दो का बिल्डिंग बनाना है 2 मंजिल का तो 10 लगाएंगे, 3 मंजिल बनाना है तो 12 लगाएंगे। उसी प्रकार यह जो हमारी मिक्सर मशीन है 8 से 10 मंजिल के लिए सपोर्ट के लिए बनाई गई है, और 10 मंजिल तक हमारी मशीन जा सकती है। और साथ में जो हम हिच लगाए हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में जो लगता है 3 इंच का चैनल का, वो हिच हम लगाए हुए हैं। और साथ में दोस्तों आप देख पाएंगे जो टायर भी है, ये 750/16 का टायर है, इसमें नए टायर भी लगते हैं, पुराने टायर लगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लगाना चाहते हैं। और जो हब लगा हुआ है, इसकी जो मशीन की मेन खासियत है हब, ये ट्रैक्टर ट्रॉली या 4 चक्के में या 460 ट्रक में जो ट्रक में हब लगता है वो हब है, और ये उसका डिस्क है। इसकी क्षमता 5 से 7 टन सहने की इसकी क्षमता है। इससे जो मार्केट में मशीनें, अन्य मशीनें बनाते हैं उसमें और इस हब में मशीन में क्या अंतर है, आप एक कलकुशल बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप मशीन लेके कहीं ढलाई करने जा रहे हैं और रास्ते में आपका हब टूट गया तो आपके जो 13 लेबर हैं वो 13 लेबर बैठ गए, क्योंकि बनने में समय तो लगेगा, सुबह सुबह जाता दुकान कोई खुलता नहीं है, तो मार्केट जाएंगे सामान लेने, तो वो जो हब मार्केट का आता है वो बीट का हब लगाते हैं, 500 रुपये का हब आता है, और ये जो हब हम लगा रहे हैं ये हब 2000 से 2200 रुपये 2000 का आता है।
आपने 500 रुपए की बचत की इस हब के पीछे या 1500 की बचत की, लेकिन आपका नुकसान क्या है कि यदि आप एक दिन बैठ गए तो आपको 4000 रुपए का आपका लेबर कास्ट लग गया, 1000 रुपए मिस्त्री की बनवाई लग गई या सामान लग गया, और 1000 रुपए आपका नुकसान आपका हो गया, लाना ले जाना जाना समय आपका भी, आपकी भी कीमत है, आपकी वैल्यू है, तो वह है आपका नुकसान हुआ। एक दिन में आपका नुकसान 6000 रुपया, एक साल में नुकसान 60000 रुपया, और 5 साल में सिर्फ हब के कारण आपका 3 लाख रुपए का दोस्तों नुकसान हो रहा है। वह है जो कम कीमत पे लेके आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे 3 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं अपना। और हमारे साथ में जो इस मशीन में टॉप शाफ्ट लगा हुआ है जो आपको मैं दिखाऊंगा, टॉप शाफ्ट ये 60 mm का लगा है, बाकी मार्केट में 48 mm का लगाते हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 48 mm का टॉप शाफ्ट लगाते हैं और हम लगाते हैं 60 mm का। यहाँ पर हम 019 की बैरिंग लगाते हैं, स्टार 11 में भी यहाँ पर लोहे के एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा देते हैं ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए भीड़ वाले प्लेट में तो लोहे की प्लेट सपोर्ट रहे उसके लिए। इसी प्रकार जो इंजन का भी हम यूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी कंपनी का इंजन लगवाना चाहते हैं, 10 HP का इंजन है, 14 HP का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है या वाटर कूल्ड इंजन है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि दोस्तों आप उसको कौन सा पसंद करते हैं। तो जो हम रस्सा लगाते हैं 12 mm का लगाते हैं, यदि इसको हल्का रस्सा कर दिया जाए तो लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो सकता है। चैनल भी हम हैवी ड्यूटी लगाते हैं जो 1 फुट में 3 किलो 100 ग्राम वजन होता है, बाकी वही चैनल 3 तरह के आते हैं, लिफ्ट के चैनल जो 1 फुट में 1 किलो 800 ग्राम और 2 किलो 500 ग्राम और 3 किलो 100 ग्राम होता है। दोस्तों यदि कहीं रेट कम है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वालिटी हल्की है, सामान कम है। और हंडी तवा में भी हम 12 mm का प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे 8 mm का प्लेट होता है, यहाँ पर 4 mm का प्लेट होता है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा आपको है चलाने वाले को, और उससे ज़्यादा फायदा घर बनाने वाले को है। घर बनाने वाले को कैसा वो बताना चाहूँगा, यदि हांडी पतली लेंगे, हांडी में छेद हो गया, सीमेंट पानी गिरेगा, 12 दाता 11 खराब होगा, बैरिंग खराब होगा, 108 दाता 11 खराब होगा, आप पैसा देंगे बन जाएगा। लेकिन जिस भाई का आप छत ढाल रहे हैं या जो भाई अपना छत डलवा रहा है, उसके घर जब सीमेंट पानी गिर गया तो उसके अंदर रेती और गिट्टी बची, रेती गिट्टी में घर नहीं बनता दोस्तों। सीमेंट पानी गिर जाने के कारण वो घर चूने लगता, टपकने लगता है, और पहले ही बरसात में घर से पानी रिसने लगता है। तो लोग कहते हैं कि ठेकेदार चोर था, पैसा खा गया। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सामने वाले का सीमेंट होता है, सामने वाले गिट्टी होती है, सामने वाले का रेता होता है, आप तो कुछ लेके नहीं आए। आपने सिर्फ अपनी मशीन पे अच्छा पैसा नहीं लगाया है या अच्छा रिपेयरिंग नहीं कराया है, इसलिए मशीन की प्रॉब्लम है और सामने वाले के घर को परेशानी है और नाम आपका खराब होगा। और हम लोग जो इसमें लगाते हैं 5 नट बोल्ट लगाते हैं, 1 सेंटर नट बोल्ट 2 सपोर्ट में, बाकी जगह दो लगाते हैं, एक खराब हुआ आपके चलते चलते मशीन रुक जाएगा, लेकिन हमारे साथ एक खराब हुआ तो भी चलेगा, दूसरा खराब हुआ तो भी चलेगा, आपको दिख जाएगा इसका मशीन को हम आगे पहले से रिपेयरिंग करवा लें। दोस्तों ये जो चैनल होता है आप देख पाएंगे, ये मोटा चैनल होता है, इससे इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और यदि इसको हल्का कर देंगे तो ऊपर से बैंड हो जाता है मशीन और लोगों को गिरने का डर रहता है। चूँकि सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसान है, जो इंसान के लिए उसकी जान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ही मशीन लें और अच्छा लोहा लगाएं। यह जो हाथ ठेला है, 2 टायर का हाथ ठेला और सिंगल टायर का हाथ ठेला, इसके आपको जो फायदे होते हैं, ये फायदे ये हैं, ऊपर जो छत में लेबर लगते हैं 2 आदमी इसको ले जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आपके पैसा और समय बच सकता है। जो 13 आदमी जहाँ लग रहे थे वहाँ पर ये 11 आदमी में भी इससे काम कर सकते हैं। दोस्तों साथ में यह स्लैब ट्रॉली आप देख पाएंगे, ये जो स्लैब ट्रॉली है ये छत के ऊपर जाने के बाद ये 1 से 2 आदमी पूरे छत की ढलाई कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, आपको स्लैब ट्रॉली दिखाऊंगा मैं, ये देखेंगे इसका जो फायदा है ये बताऊंगा मैं। मान लीजिए ऊपर में आपके 2 लेबर पर डे कम लगते हैं, 2 लेबर इस मशीन को लेने से 2 लेबर कम लगते हैं, तो 300 रुपये के हिसाब से तो एक दिन की कमाई वो हुआ 600 रुपया पर डे बचत हुआ, और आपका
30 दिन में 15 दिन भी काम चलता है तो 15×96 9,000 रुपया आपको एक महीने की बचत हुई। एक साल में आपका 1,00,000 रुपये, अब 5 साल में 5,00,000 रुपये का एक एवरेज आपकी बचत हो रही है सिर्फ ये स्लैब टॉयल ले लेने से आपको। दोस्तों ये जो हमारी मशीन है ये लिफ्ट हाफर मशीन है, ये हाफर इसका रखा हुआ है और ये लिफ्ट है। आप ये देख पाएंगे कि इसका अन्य मशीनों से ये लिफ्ट, ये हमारे उड़ीसा के बड़गढ़ के हमारे एक साथी हैं जो ऑर्डर दे के बनवाए हैं अपने हिसाब से, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या किए हैं ये कि जो लेबर के बचत समय को बचाने के लिए जो ट्रैक्टर हिच सिस्टम होता है, ट्रैक्टर फिट हो जाएगा और यहाँ पर 2 टायर लग जाएगा। दो बाकी मशीनों पे आप देखेंगे 4 टायर लगता है लेकिन इस मशीनों में 2 टायर लगेगा। जैसे ट्रॉली 4 चक्का होती है, 2 चक्के की ट्रॉली होती है, ऐसे ये 2 चक्के की लिफ्ट मिक्सचर मशीन है और इसमें इन्होंने 4 जैक दे दिए हैं सपोर्ट के लिए। सेंटर जैक सपोर्ट दिया गया है और लिफ्ट उल्टा साइड में दिया गया है। और इस मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी पूरे इंडिया पे कहीं नहीं लगाया जा रहा है, आप हमारी ही वीडियो में, पहले वीडियो में देखे होंगे, ये 3 स्टार 11 आप देख पाएंगे, 3 स्टार 3 स्टार 11 लगा हुआ है। इसको कहीं रैचिट बोलते हैं, कहीं कटकटिया 11 बोलते हैं, अलग अलग। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है ये ब्रेक का, इसमें 2 ब्रेक पट्टे लगे हैं और 3 11 लगा है। यदि कभी 1 ब्रेक पट्टा फैल हो गया, खराब हो गया, टूट गया तो आपका काम नहीं रुकेगा, आपके लेबर नहीं रुकेंगे, दूसरे ब्रेक पट्टे से आप काम कर सकते हैं। और 3 11 3 लाख होने से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, टूटने के चांस नहीं होते हैं इसके। हाँ, साथ में इसमें ट्रैक्टर शाफ्ट भी लगाया गया है। माल नीचे दिखाएंगे सर, मान लीजिए आपके चलते चलते इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, मशीनरी प्रॉब्लम आ भी सकती है तो आपका काम न रुके, ट्रैक्टर से भी इसको आप चला सकते हैं। नीचे दिखाएंगे, ट्रैक्टर शाफ्ट लगा हुआ है जो आपको कभी भी काम नहीं रुकने देगा और ये मशीन को आपको कंटिन्यू चलाते रहेगा। यानी कि आप मशीन में कोई प्रॉब्लम आती इंजन में तो भी आपका काम न रुके, ट्रैक्टर से पीटीओ शाफ्ट से, ये पीटीओ शाफ्ट होता है इस तरह का, इससे आप ट्रैक्टर से चला सकते हैं और आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, काम दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों उसी प्रकार यह हमारी मशीन जो रेडी है लिफ्ट हाफर मशीन, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है यह जब तक मसाला मिलाता है, मशीन हंडी मिलती मसाला मिलता है तब तक में ये यहाँ पर नीचे सीमेंट गिट्टी डाल सकते हैं और रेती डाल सकते हैं और जैसे मिल जाएगा इसको ऊपर डाल सकते हैं। अधिकांशतः ये जहाँ स्थाई काम हो या सरकारी काम हो उसमें यह काम आता है। और ये आप मशीन देख पाएंगे, इसको मिनी हाफ बैग मशीन बोलते हैं और हम लोग इसको बच्चा मशीन भी बोलते हैं। इस मशीन की खासियत ये है, इसकी जो चौड़ाई है 2.75 फुट है, जहाँ जगह कम होते हैं, सकली जगह होती है और गलियाँ होती हैं या छत में ले जाना है उसके लिए मशीन बहुत महत्वपूर्ण है। 2.75 फुट चौड़ाई है, लंबाई 6 फुट और ऊँचाई 4 फुट। आप इसमें 2 HP का मोटर लगता है, आप अपने घरेलू लाइट से भी इसे चला सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसका जो फायदा है आपको, जैसे आप छत बना रहे हैं या कॉलम ढाल रहे हैं या पोल वाला काम कर रहे हैं, सीमेंट पोल बना रहे हैं या गमला बना रहे हैं, ये गमला बनाने छोटे छोटे काम, कंक्रीट काम करने वालों के लिए यह उनके लिए एक संजीवनी की तरह मशीन है। बहुत कम कीमत पे बहुत ज़्यादा वर्क देगी और आपका जो प्रोटेक्शन है लेबर की अपेक्षा के ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा और आपका कम समय में ज़्यादा काम होगा, उससे आपके काम की बिक्री बढ़ जाएगी और उससे फायदे भी आपको होंगे। दोस्तों इसी प्रकार ये लिफ्ट मशीन आप देख चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये मिक्सचर मशीन है, ये मिक्सचर मशीन से जो रोड का काम है, पुलिया का काम है, जो छोटे छोटे काम है, जिन भाइयों के पास बड़ा काम ये बड़े पैसे नहीं है, वो छोटी वाली मशीन मिक्सचर मशीन, एक बैग की मिक्सचर मशीन लेके भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। इससे भी वो यदि पर डे देते हैं तो 1200 रुपया रोज इसमें आता है और डीजल और ऑपरेटर लगता है तो फिर भी पर डे 500 से 600 रुपए की बचत इस मशीन में एक व्यक्ति को होती है सब खर्चा काट के, तो 15,000 महीना इसमें कमा सकते हैं। यदि किसी को मंथली देते हैं तो 7,000 से 8,000 में भी मंथली इसको दे सकते हैं और अपनी खुद की बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी लिफ्ट मशीन ये बन के रेडी है, ये लिफ्ट मशीनें हैं, आप देख पाएंगे हमारे पास स्टॉक में लिफ्ट मशीनें रहती हैं, आप कभी भी आइए और मशीन को आप ले जा सकते हैं। ये मशीनें, ये भी मशीनें हमारी लिफ्ट मशीनें हैं और
आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारी मशीनें, जो हमारे प्लांट हैं, जो बन रहे हैं प्लांट में, ये लिफ्ट मिक्सर मशीन, इसमें हम लोग जो अभी कुछ लेटेस्ट हम लोग चेंज किए हुए हैं, आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमने 12 एम का प्लेट दिया हुआ है, जो बाकी जगह 6 एम का प्लेट देते हैं, और हंडी भी हम लोग जो इसके जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स भी हैवी रहता है, यहाँ सामान रख सकते हैं आप। और इसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा और प्लस किए हैं इस मशीन पे, यहाँ पर गन मेटल बुश लगाए हैं, और आप देख पाएंगे यहाँ डबल लॉक लगा दिए हैं, ये डबल लॉक लगा दिए हैं यहाँ पर। डबल लॉक में भी आपको फायदा होता है और आपका समय और पैसा दोनों बचता है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर सारी मशीनें रेडी हो रही है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर लेबर भी वर्क कर रही है, और यहाँ पर इस तरीके से मशीनों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सर बताइए। सर जैसे हमारी प्लेट है, 12 एम का प्लेट होता है, ये 8 एम का प्लेट होता है, आप देख पाएंगे सर दोस्तों, ये 8 एम की प्लेट होती है सर, दिखाइए, ये 8 एम मोटी प्लेट होती है, इसमें छेद होने की ज़्यादा संभावना नहीं होती, छेद होता ही नहीं है, और नीचे वाला ये 12 एम का प्लेट होता है, आप ये प्लेट भी देख पाएंगे और यहाँ भी देख पाएंगे। 8 एम का प्लेट होने से इसमें आपका सीमेंट पानी नहीं गिरेगा, और मशीन की लाइफ ज़्यादा होगी, और आप घर की लाइफ ज़्यादा होगी। दोस्तों ये जो हमारी मशीन है पूरी बन के कम्प्लीट हमारी तैयार है, और आप देख पाएंगे दोस्तों, कभी भी आप हमारी फैक्ट्री में आइए, विजिट करिए, हम कहीं भी किसी भी मशीन पे पुराने लोहे का यूज नहीं करते हैं, हमेशा नया लोहे का यूज करते हैं। हम ये नहीं जानते कि आप कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी आप आके हमारे मशीन को बन फैक्ट्री में हमारे आगे बनते हुए देख सकते हैं। और जो हम जो मशीन अन्य मशीनें हैं, लिफ्ट मशीनें हैं, या 4 लेग लिफ्ट मशीन आपको चाहिए, 4 लेग लिफ्ट मशीन मिल जाएगी, और RM 800 भी आप ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, और आपका ये मंकी लिफ्ट, मंकी होस्ट भी बना सकते हैं। और जो हमारा इसमें देख पाएंगे, हमारा जो हेड ऑफिस है सर दिखाएंगे, हेड ऑफिस मिश्रा इंडस्ट्रीज रोड सकरी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़, हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मिश्रा इंडस्ट्रीज रोड मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया खसरा नंबर 23 बिहाइंड रेनाल्ड शोरूम मेरठ रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों हमारी फैक्ट्री पे आप कभी भी आइए और हमारी मशीन को बनते हुए देखिए, आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आप मशीन के काम की शुरुआत करना चाहते हैं, मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो भी हम बताएंगे। और ये जो मशीन है ये 8 एम से 10 एम 12 एम प्लेट तक ये मशीन मोड़ सकती है, इसको रूला बोलते हैं, बेंडिंग मशीन। इस प्रकार ये जो प्लेट है आप देख पाएंगे, जो कर्न नीचे प्लेट लगता है 12 एम का प्लेट है, आप दिखाएंगे सर 12 एम का प्लेट, लोग 12 एम बोल कर 10 एम लगाते हैं, लेकिन 12 एम माने 12 एम, या 11 एम भी नहीं मिलेगा आपको, 12 एम ही होगा। साइड में 8 एम का प्लेट लगता है, चैनल भी सब हैवी होते हैं, 5 एम का ऊपर प्लेट लगता है सपोर्ट के लिए हंडी गार में। मशीनें कटिंग मशीन हमारे पास लगी हुई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा सारा कटिंग मशीनों से होता है। दोस्तों आप देख पाएंगे ये जो मशीन है, इस मशीन के कटने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि मशीन में जो लोहा है बराबर कटता है, और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं गैस से काटते हैं, तो गैस से काटने के कारण सीधा नहीं रह पाता, हैंड बैंड हो जाता, थोड़ा बैंड हो जाएगा, तो आपका चैनल सीधा नहीं बैठेगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमारा जो एक चैनल है मोहन मिश्रा बिजनेस कोच, यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हैं, और इन मशीनों के बारे में क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए। जैसा कि बेल्ट बार बार तोड़ रहा है, तो बेल्ट क्यों टूटता है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो बनी हुई है। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें ब्रेक पट्टे की प्रॉब्लम क्यों होती है, या क्लच की प्रॉब्लम होती है, उसको भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनी हुई है। इंजन में ऑयल पल्टी करना है तो कैसे इंजन में ऑयल पल्टी करना है, और मशीन के क्या क्या रखरखाव हैं, ऐसे ढेर सारी वीडियो बनी हुई हैं, उसको भी आप देख के, आप हमारे यूजर हैं या नहीं हैं, हमारे मशीन लिए नहीं लिए, कोई भी हो, जो भी दर्शक हो जिनके पास मशीन है या मशीन लेना चाहते हैं, वो भी पहले से अपनी सारी मशीनों की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मोहन मिश्रा बिजनेस कोच देख सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो को
देख के अपनी मशीनों को आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी और सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप सब कुछ समझ गए होंगे। यदि कुछ भी जानकारी आपसे मिस हो जाती है तो सामने देखिए, आपके स्क्रीन के सामने इनके व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, इनकी कंपनी की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इनका एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, गूगल लोकेशन मैप दिया गया है, आप बहुत आसानी से इनके यहाँ पर पूछ सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस को? मैं सभी ऑडियंस से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग हमारी मशीन यूज कर रहे हैं वो तो हमें जानते हैं, और जो लोग हमारी मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं उनकी मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। आप हमें फ़ोन करके, हमारे दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अजीत बिजनेस आइडिया YouTube चैनल सब्सक्राइब करने और अपने सभी दोस्तों को करवाने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बेरोजगार को रोजगार मिल सके, और आप नहीं करना चाहें हो सकता है कि इस वीडियो को देख के और लोग कर सकें और आपको दुआएं दे सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।